चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो ने बयान भी दिया है। 23 अगस्त को लैंडर को लैंड कराने की कोशिश करेंगे। इसरो की ओर से कहा गया है लैंडिंग के 2 घंटे पहले स्थिति का जायजा लिया जाएगा। हालात ठीक नहीं हुए तो 27 अगस्त तक टल सकती है लैंडिंग। तो देखिए बहुत बड़ी अपडेट है जो कि इसरो की ओर से जारी की गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर कल सिचुएशन ठीक रहती है लैंडिंग के लिए तो फिर लैंडिंग की जा सकती है, लेकिन 2 घंटे पहले स्थिति का जायजा लिया जाएगा। लैंडिंग के पहले सिचुएशन ठीक रहती है तब लैंडिंग होगी, और अगर नहीं ठीक हुए हालात तो 27 अगस्त तक ये लैंडिंग टल सकती है। क्या कहा गया इसरो की ओर से सुनाते हैं आपको। लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को। स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग दो घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उतरण करेंगे। और देखिए एक सवाल और लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 शाम के वक्त ही लैंड क्यों करेगा, उसकी लैंडिंग शाम के वक्त ही क्यों होगी। तो इससे जुड़ी जानकारी अब देखिए। दरअसल लैंडिंग के वक्त चंद्रमा पर सूरज उगने का ये समय होता है और लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिलेगी। अच्छी तरह से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जा सकेगा इस दरमियान, और सूरज की रोशनी से ऊर्जा ले सकेगा विक्रम लैंडर। लैंडर रोवर को धरती के 14 दिन के बराबर सूरज की रोशनी मिल सकेगी। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि शाम को ही लैंडिंग कराई जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी पहुंचे हुए हैं जिनसे हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। नौटियाल साहब हमारे साथ हैं, आलोक झा जी भी हमारे साथ हैं, जिनके जरिए हम समझ पा रहे हैं तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को। लेकिन पीयूष हमारे साथ हैं, पीयूष के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। पीयूष, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसरो के एक साइंटिस्ट से आपकी बात भी हुई थी, अभी देखिए हमने अपडेट भी दी है कि कहा जा रहा है कि अगर कल लैंडिंग के 2 घंटे पहले सिचुएशन ठीक रहती है तब तो कल ही लैंडिंग होगी, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं रहते हैं तो ये 27 तक के लिए पोस्टपोन हो सकता है। क्या इस बारे में साइंटिस्ट की ओर से कोई और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाई है, ऐसा क्यों? जी अंजलि, देखिए अभी मेरी थोड़ी देर पहले जो इसरो के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुधीर कुमार जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमें जानकारी दी है कि अभी तक सारी स्थितियां अनुकूल हैं, सब कुछ सही है। और जो नीलेश जी का बयान आया था उस मामले में मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि 2 घंटे पहले लैंडिंग से ठीक 2 घंटे पहले हर एक परीक्षण हर एक चीज़ को परखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो स्थिति है वो अनुकूल है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो मिशन कामयाब रहा है पूरी तरीके से उसमें अगर छोटी से छोटी खामी भी होती है तो जो लैंडिंग का जो टाइम है उसको बदला जा सकता है। यही वजह है कि 2 घंटे पहले उन सारे परीक्षणों को और उन सारी चीजों को परखा जाएगा जो तकनीकी स्तर पर हो। ठीक है, स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब भी हैं, शायद वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाए। नौटियाल साहब, ये इसरो की तरफ से क्यों डिसाइड किया गया है कि हालात ठीक रहेंगे तभी कल लैंडिंग होगी, वरना 27 को लैंडिंग हो सकती है? आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसे देखते हुए लैंडिंग पोस्टपोन भी की जा सकती है? देखिए, इस तरह के मिशन बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन्स होते हैं और हज़ारों पैरामीटर्स होते हैं और हर पैरामीटर को बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसा अभी कहा था कि चंद्रकंप या लूनर की जो सीज़मिक एक्टिविटी है, जिसे हम धरती पर भूकंप कहते हैं, मान लिया ऐसी चीज़ की कोई संभावना लगे या कोई भी और चीज़ 100% फंक्शन न करे, क्योंकि ये ज़ीरो एरर वाली चीज़ है। लैंडिंग के समय बिल्कुल वही परिस्थितियां होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर इस जो करीब 4x2.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र चुना है, इसमें अगर मान लिया कोई क्रेटर या कोई पत्थर या कोई इस तरह की चीज़ है तो वहाँ पर लैंडिंग करने से असंतुलन होगा। इसके लिए उसका लैटिट्यूड दिया गया है काफ़ी सारा पिछली बार की तुलना में। यदि कोई यूनिट, जिसकी आशंका बहुत कम है, लेकिन यदि कोई यूनिट पूरी तरह से 100% सही फंक्शन नहीं करती जी, तो बजाय रिस्क लेने के कि इतने बड़े मिशन को हम उसी समय पर उतारने की जिद रखें, एक प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। तो प्लान ए है कि हम 23 अगस्त को कल शाम को 6:04 पर लैंडिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई समस्या, चूँकि हर समस्या का अनुमान लगाना असंभव होता है, अगर कोई अप्रत्याशित समस्या आती है, उदाहरण के लिए मान लिया कि वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयडल बॉडी या कोई स्पेस से कोई बॉडी वहाँ पर गिर रही है, तो उस समय लैंडिंग कराना सेफ नहीं होगा। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जी।
तो ये प्लान बी भी उसके लिए तैयार किया गया है, वरना जैसा एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग वेरी करेक्टली, और हम कल शाम जो है 6:40 बिल्कुल, और यही वजह है कि कई सारे चरण हैं और इस लैंडिंग के हर चरण में वो सावधानी रखी गई है, वो सारी छोटी छोटी स्टडीज, वो सारा छोटा छोटा कैलकुलेशन भी है।